elegante. इसराइल और हमास की जंग ने पूरे मिडिल ईस्ट को वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। रॉकेट, तोप, मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोन से मची तबाही ने गाजा को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। एक तरफ जहां IDF गाजा में आगे बढ़ रही है, वहीं फिलिस्तीन के आतंकी गुट एकजुटता दिखाते हुए इसराइल पर जमकर बरस रहे हैं। इसराइल और उसके समर्थन वाले देशों को हमास के साथ प्रॉक्सी संगठनों के हमले का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लाल सागर में हूती के ज्यादातर हमले इसराइल, अमेरिका, ब्रिटेन के मालवाहक जहाजों पर होते हैं और हूती लगातार मालवाहक जहाजों और युद्धपोतों पर रॉकेट, मिसाइल और घातक ड्रोन से हमले कर रहा है। यहां तक कि नए शिपिंग रूट केप ऑफ गुड होप पर भी हमला करने के लिए उसने लंबी दूरी वाले हथियार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस सब के बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने एक वीडियो जारी किया है, जिससे इसराइल और उसका सपोर्ट करने वाले देशों की टेंशन बढ़ गई है। इस वीडियो में यमनी सशस्त्र बलों ने तूफान एक SUV के परीक्षण को दिखाया है, जिसमें आत्मघाती ड्रोन की विशेषताओं को दिखाया गया है, जिसने लाल सागर में MV ट्यूटर के पतवार और इंजन रूम में दो छेद किए और जहाज को तबाह कर दिया था। यमनी सशस्त्र बलों की नौसेना ने 12 जून को लाल सागर में MV ट्यूटर पर हमले में तूफान 1 USB का उपयोग किया, जब जहाज के मालिकाना हक वाली कंपनी ने इसराइल कब्जे वाले YAF पर प्रतिबंध का उल्लंघन किया था। USV द्वारा काफी नुकसान पहुंचाए जाने के बाद जहाज कथित तौर पर 18 जून को इरिट्रिया के तट पर डूब गया। हूतियों ने दावा किया कि ये वही नाव है जिसने लाल सागर में मालवाहक जहाज ट्यूटर को टक्कर मारने में उसे डुबो दिया था। USV की तूफान लाइन एक साधारण डिजाइन है जो सिंगल सीटर स्पीड बोट से ली गई है, जिसमें आफ्टर मार्केट इंजन है। सस्ते डिजाइन और आसानी से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते हुए यमनी सशस्त्र बलों के इंजीनियरों ने एक घातक हथियार बनाया जो बड़े व्यापारी और सैन्य जहाजों को डुबोने में सक्षम है। तूफान 500 किलोग्राम तक विस्फोट रख सकता है और ये अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा कर सकता है। वहीं कम दूरी का तूफान एक 150 किलोग्राम तक विस्फोट रख सकता है और ये अधिकतम 65 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा कर सकता है। यूएसवी को ऑपरेटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है और उसे उसके लक्ष्य की ओर ले जाया जाता है और जरूरत पड़ने पर उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाने और उसे नजदीक विस्फोट करने के लिए पहले से प्रोग्राम भी किया जा सकता है। यूएसवी स्थिर और गतिशील दोनों तरह की नौसेना वस्तुओं और बुनियादी ढांचे पर हमला कर सकता है, क्योंकि इसका विस्फोटक पेलोड सबसे बड़े जहाजों को भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है। बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने हूतियों के हमले से परेशान होकर उस पर हमला किया था, जिसमें हूती विद्रोहियों के कई रडार ध्वस्त हो गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक हूती इन रडारों का इस्तेमाल जहाज पर हमला करने के लिए करते थे। इन हमलों में हूतियों के 7 रडार, 1 ड्रोन और 2 जहाज नष्ट हुए थे और अमेरिकी सेना की ओर से यह हमला पूर्व में हूती विद्रोहियों के हमले के बाद किया गया था, जिसमें एक वाणिज्य पोत के चालक दल के एक सदस्य के लापता हो गया था।